नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा, और आप जैसे जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं वास्तु भी करती हूं, मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूं और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं। तो मैं बात करूंगी आपसे आज कार्तिक के महीने की। कार्तिक मास का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि यही वो महीना होता है ना जिसमें कि पंच पर्व मनाए जाते हैं। धनतेरस से लेकर के भैयादूज तक ये जो पांच पर्व हैं वो कार्तिक के महीने में ही आते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा इस महीने में की जाती है, इस महीने में कुबेर भगवान की पूजा की जाती है, इस महीने में जब देवउठनी एकादशी पड़ती है तो भगवान विष्णु जो हैं वो योग निद्रा से जागते हैं, और उनसे 11 दिन पहले तकरीबन माँ लक्ष्मी जाग जाती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा दीपावली वाले दिन आप करते हैं। तो ये महीना त्योहारों से भरा हुआ है, ये महीना धार्मिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो बेहद खास है। लेकिन इस महीने के अंदर क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और क्या पुण्य कर्म करने चाहिए, यही आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक का महीना इतना शुभ क्यों है और कार्तिक के महीने में क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कार्तिक के महीने के अंदर ये महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, और इस महीने की अलग अलग तिथियों पर अलग अलग त्यौहार, अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। अब कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान जो है उसमें सुबह 4 बजे उठ करके आपको ठंडे पानी से स्नान करना होता है, उसके बाद कार्तिक की जो कथा है वो की जाती है, और उसके बाद भजन कीर्तन जो है वो किया जाता है सुबह के समय में। यानी कि अर्ली आवर्स में आपको भगवान की पूजा जो है ब्रह्म मुहूर्त में आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है, इसी को कहा जाता है कार्तिक स्नान। कार्तिक के महीने के अंदर अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, अगर आप गंगा में, अगर आप यमुना नदी में स्नान करते हैं, तो आपके जीवन में आप देखेंगे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, हम इतनी दूर जा नहीं सकते हैं, तो आपके लिए हर किसी के घर में गंगा वाटर, गंगा जल हर किसी के घर में मिलता है। अगर आप थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में डेली मिला करके स्नान करते हैं तो आपके जीवन में आप देखेंगे हर तरह की नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्तिक का महीना एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन का महीना भी माना जाता है, बदलाव का महीना माना जाता है। शरद ऋतु की शुरुआत इसी महीने से होती है, और इस महीने के अंदर अगर आप गंगा जल डाल करके स्नान करते हैं तो एंग्जाइटी से जुड़ी हुई जो परेशानियां होती हैं, जिन लोगों को बार बार स्ट्रेस रहता है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, ये समस्याएँ भी खत्म होती हैं। इस पूरे महीने के अंदर आपको भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, या फिर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी एक जो हाई पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको इस महीने के अंदर विष्णु सहस्रनाम का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। जिनके जीवन में आर्थिक स्थिति के साथ साथ अगर आप लोग खासतौर पे एक्सेल नहीं कर पाते हैं, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, या फिर आपके जीवन में शत्रु बहुत सारे हैं, तो इसी महीने के अंदर आपको नियमित रूप से मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में नारायण कवच का पाठ ज़रूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में अलग अलग व्रत आदि भी किए जाते हैं। अगर आप इस महीने के अंदर एकादशी, जो दो एकादशियां पड़ती हैं, उन एकादशियों पर व्रत ज़रूर रखें। व्रत रख करके आप भगवान विष्णु को पीले रंग की सामग्री, पीले रंग का मिष्ठान जो है वो आप ज़रूर अर्पित करें, और साथ ही में आप अन्न का दान ज़रूर करें। कार्तिक के महीने के अंदर आप फलाहार का दान और अन्न के दान का अलग अलग महत्व बताया गया है। इसके अलावा कार्तिक का महीना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है दान, स्नान और ध्यान के लिए। ध्यान यानी कि सुबह के समय जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो उस समय उठ करके मेडिटेट ज़रूर करें, कुछ समय बैठ करके भगवान का ध्यान ज़रूर करें। इसके अलावा दान, जब आप दान की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है इस महीने के अंदर दीप दान। दीप दान आपको कोशिश करनी है जिस समय पर कार्तिक के महीने की शुरुआत हो जाएगी, आप संकल्प लेकर के मैं 11 दीप का दान करूँगा, मैं 21 दीपों का दान करूँगा। 21 दीप या 11 दीप आप हर दिन आपको संध्याकाल के समय मंदिर में जलाने हैं। तो इसके अलावा इन दीपों के साथ साथ एक दीपक आपको नियमित रूप से संध्याकाल के समय तुलसी में भी जलाना चाहिए इस महीने के अंदर। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, कलह कलेश घर से बहुत दूर चले जाते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ शुभ कर्म हैं जो कि इस महीने के अंदर किए जाने चाहिए। जो लोग गौ का दान करना चाहते हैं तो गऊ का दान भी इस महीने के अंदर किया जाता है, क्योंकि जब खास तौर पे गोपाष्टमी आती है, गोपाष्टमी वाले दिन गऊ माता की पूजा की जाती है, और इसी दिन अगर आप गऊ का दान करते हैं तो ऐसा करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए बात करते हैं अब सावधानियों की। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कार्तिक के महीने के अंदर आप सात्विक आहार ही ग्रहण करें, क्योंकि कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना माना जाता है जिस समय पर आप जितनी भी ये कर्म कर रहे हैं उसका आपको फल नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आहार में तामसिक भोजन खाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसा खाएंगे आहार वैसे बनेंगे विचार। तो एक तरफ तो आप शुभ कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके विचार जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो आपका कर्म करने का भी फल नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा को बहुत श्रेष्ठ एक श्रेणी में रखा गया है। तो मानसिक पूजा, बेशक से कई लोग कहते हैं कि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम लोग मान लीजिए पूजा नहीं कर पा रहे हैं समय पर, तो उस समय पर भी मानसिक पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। आप ट्रैवलिंग के दौरान भी पूजा करेंगे ना मानसिक तौर से, वो भी भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें आप ग्रहण करें, ऐसा खाना आप खाएं जो कि आपके मानसिकता को ख़राब ना करे। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक मास के अंदर आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस महीने के अंदर कोशिश करनी चाहिए आप झूठ नहीं बोलें, आप किसी से द्वेष नहीं करें, क्योंकि ये वो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पर नकारात्मकता को बढ़ा देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे महीने के अंदर घर में स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए। वैसे तो किसी भी समय पर स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जिस समय पर दीपावली का पूजन कर रहे हैं, आप माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं घर में, एक तरफ आप कहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन में आपको वेल्थ दे दें, लेकिन दूसरी ही तरफ आप अपने घर में अपनी मदर का, अपनी सिस्टर का, अपनी वाइफ का अगर आप अपमान करते हैं तो सोचिए कि किस तरह से, क्योंकि वो भी आपके घर की लक्ष्मी ही है। इसके अलावा आपको इस महीने के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि घर में दरिद्रता ना हो, घर में गंदगी ना हो, घर में किसी तरह की धूल मिट्टी ना रहे। दीपावली पर तो वैसे भी हर लोग साफ सफाइयाँ करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं आपके घर में अगर मकड़ी के जाले लगे हैं, गंदगी है, तो ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी कभी भी एक तरीके से स्थायी रूप से नहीं रहती हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए घर में साफ सफाई आप नियमित रूप से रखें कार्तिक के महीने के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस महीने के अंदर अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो इस महीने के अंदर भगवान विष्णु के आगे गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सिर्फ एक दीप दान ही अगर आप कर दें, अनइंटेंशली ही बेशक से आप करें, उस दीप दान का भी आपको महत्व बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथ ही में जो लोग पूरे महीने मान लीजिए अगर आपने व्रत नहीं रख पाए हैं, तो आखिरी के 5 दिन जो माने जाते हैं वो पंच भीखु के व्रत रखे जाते हैं कार्तिक के महीने में। आप अगर वो 5 दिन के व्रत रखते हैं तो पूरे कार्तिक के महीने का फल आपको मिलता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर पूरे महीने फास्टिंग ना करें, सिर्फ आखिरी दिन आप पूजन कर लें या सिर्फ आखिरी दिन आप कार्तिक स्नान कर लें, तो भी आपके लिए उतना ही फल आपको मिलेगा। तो इसी के साथ कार्तिक के महीने के ऊपर और वीडियोस को भी हम लेकर के आएंगे आपके सामने, और हम अलग अलग उपायों के बारे में बात करेंगे, अलग अलग दान पुण्य क्या कर सकते हैं, अलग अलग तिथियों पर किस तरह से पूजा उपासना आप कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।